Assalamu alaikum friends, I am Samia. This is my channel. My channel is about education perspective. My channel is helpful for all the aspirants and strivers preparing for CSS and PMS. Today I am going to discuss agriculture problems in Pakistan. Before we begin, I request you all to like and subscribe to my channel and press the bell icon. Let's start our video. जैसा कि हम लोग PMS के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं तो ये PMS 2017 का पेपर है और इसके अंदर हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं डिस्कस द बैकग्राउंड टेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन. अगर आप लोगों ने वो देखना है तो वो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं. अब हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर दी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है. What are the agriculture problems of Pakistan and what steps have been taken by the government? ये क्वेश्चन अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे. मेनली इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे. ये भी उस पेपर का पार्ट है. मैंने आप लोगों को बताया था एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान. ओवरव्यू देख लेते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ज्यादातर उसका जो जीडीपी 23% जीडीपी में एग्रीकल्चर हेल्पफुल करता है. पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है और 40% जो लोग हैं वो इधर एम्प्लॉयमेंट या जॉब कर रहे हैं. लेकिन अभी भी जो बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि जिनमें हमें एग्रीकल्चर में काम करना है. पहले हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं. पाकिस्तान के अंदर कल्टीवेटेड एरिया बहुत महदूद है. हमारे पास टोटल एरिया जो है वो 79.6 मिलियन एकड़ है जिसमें से 23.5% जो है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है. 8 से 9 मिलियन एकड़ एरिया अभी भी अनकल्टीवेटेड पड़ा. सेकेंड, लो यील्ड. पैदावार हमारी पर एकड़ के हिसाब से बहुत कम है. लाइक वीट, राइस एंड कॉटन जो गंदम चावल जो हम उगा रहे हैं वो दूसरे मुल्क पर एकड़ बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं. लेकिन हम लोग अभी इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आई है जिसकी वजह से हमारी जो पैदावार है वो कम है. क्योंकि हमारे पास लेबर जो है वो भी स्किलफुल नहीं है और हम भी अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी नहीं है. लैक ऑफ फैसिलिटीज. फैसिलिटीज बहुत सारी कम है हमारे पास. जो ज्यादातर हमारे एग्रीकल्चर जो है वो देहाती लोगों के साथ एसोसिएटेड है. देहाती लोगों के अंदर बहुत सारी खामियां या कमियां कह लें. एक तो ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट का अच्छा सिस्टम है, ना ही उनके पास जो एग्रीकल्चर या जो भी उनकी फसलें वगैरह गंदम चावल स्टोर करने का ना कोई प्रॉपर निज़ाम होता है, ना ही पुअर रोड जो रोड्स वगैरह हैं ट्रांसपोर्ट के लिए वो भी बहुत खराब हैं. और जो मार्केट्स हैं जहाँ वो अपनी फसलें वगैरह पैदावार जो भी अपना गोदाम चीजें बेचनी होती हैं वो भी बहुत दूर हैं. तो इसलिए एग्रीकल्चर में काफी फैसिलिटीज काफी सहूलियात की कमी है. अन इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग. जमीन पे जो कब्जा है वो बहुत ही ज्यादा अन इकोनॉमिक है. एक तो हमारे मुल्क की आबादी ज्यादा है, फिर जो जमीन जो हर किसान के पास है वो भी हर इंसान के पास बहुत थोड़ी थोड़ी जमीन है. जैसे ज्यादातर पाकिस्तान में जो फार्मर्स हैं उनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है और 2 हेक्टेयर में 5 आप लोग कह लें 5 एकड़ जमीन होती है. और अनइकोनॉमिकल इस तरीके से कि हम लोग फाइनेंशियली किसान जो हैं वो फाइनेंशियली तौर पे बहुत वीक होते हैं और वो मशीनरी का और मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से नहीं करते जिस तरह दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज कर रहे हैं. वो अभी भी जो है बैलगाड़ी से जो है हल चलाना या इस तरह से
गरीब किसान जो है वो अभी भी यही काम कर रहा है। ओल्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के पुराने मेथड यूज हो रहे हैं, वही जो मैंने जैसे पहले मैंने बात की कि वही हल चलाना और कोई ट्रैक्टर का निजाम नहीं, कोई कुछ नहीं ज्यादातर, जिसकी वजह से पुराने मेथड हैं, पुराने तौर तरीके हैं, जिसकी वजह से यील्ड पैदावार भी कम है। और लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे मॉडर्न मेथड्स जो हैं अप्लाई हो रहे हैं, जहाँ पे और ट्रेडिशनल मेथड्स को कंपीट नहीं किया जा रहा। रिसर्च सेंटर्स की तादाद जो है बहुत ज्यादा कम है। जो भी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर हाइब्रिड रिसर्च सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पे वो अपने लिए हाइब्रिड सीड्स बना रहे हैं। वो देखते हैं कि उनको किस तरह के सीड चाहिए, कैसी उनकी जो है क्रॉप की ग्रोथ रेट ज्यादा होनी चाहिए, यील्ड पर एकड़ ज्यादा होनी चाहिए, इस तरह वो अपने रिसर्च सेंटर्स में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में रिसर्च सेंटर्स ही कम है और एग्रीकल्चर पे रिसर्च ही बहुत कम होती है और रिसोर्सेज भी बहुत कम है और सीड्स भी नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, फंड ही नहीं है रिसर्च सेंटर्स के लिए, तो रिसर्च किस तरीके से होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है मार्केट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स की जो मार्केट प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा इनस्टेबल रहती हैं, वेरिएट करती रहती हैं हमारे मुल्क के अंदर। एक थ्योरम है जिसे हम बता रहे हैं कॉबवेब थ्योरम। इस कॉबवेब थ्योरम के मुताबिक अगर साल में एक चीज की कीमत एक साल ज्यादा है तो अगले साल उसी चीज की कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी और इसी तरीके से ही चलता रहता है। और किसान किसान को कुछ भी नहीं मिलता, जो सारा कुछ है वो जो जो बेच रहे होते हैं बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर उनको मिल रहा होता है। फार्मर्स को ना चीज जब ज्यादा होती है तब कुछ मिल रहा होता है, ना उसकी प्राइस जब कम होती है तब तो वैसे ही कुछ नहीं मिलता। फार्मर्स पुअर कंडीशन, फार्मर की जो फाइनेंशियल तौर पे फार्मर जो किसान होते हैं बहुत वीक हैं, बहुत कमजोर हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, बैंक से वो कर्जे कर्जे लेते हैं और फिर उन्हें जो क्रॉप्स का जो मुआवजा होता है वो इतना नहीं मिल पाता, क्योंकि जो मार्केट्स हैं, जो मार्केट्स वगैरह जो बहुत दूर हैं उनसे, तो इस वजह से मार्केट जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो ही बहुत ज्यादा लग जाती है। तो इस वजह से जो उनका जो भी उनकी मेहनत होती है वो एक तरह से बिल्कुल रायगा चली जाती है। क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी हमारी मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा कम है। वही बात पर एकड़ यील्ड वाली बात के, जितनी क्रॉप हमारी एक टुकड़े में जमीन के एक पीस ऑफ लैंड पे उग रही है उसको हम क्रॉप इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब लेट सपोज के अगर एक एकड़ पे जो है 40 मन गंदम उग रही है, लेट सपोज, तो हम लोगों के यहाँ वही एक एकड़ पे जो है वो 20 मन जो है गंदम उग रही है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि हमारी जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो कम है। जबकि जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो डेवलप कंट्रीज में तो ज्यादा है, लेकिन जो अनडेवलप कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें जो क्रॉप की इंटेंसिटी है वो कम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लैंड टेन्योर सिस्टम। जमीन का जो जमीन की का जो टेन्योर है वो भी बहुत वीक है। ज्यादातर जो लैंड है वो एक खास इंडिविजुअल के पास होती है, जो जिन्हें हम जागीरदार कहते हैं। जागीरदार क्या करते हैं, वो जखेज जमीन को खुद कर खरीद लेते हैं और जो पुअर फार्मर्स होते हैं वो उसी जमीन पर बहुत काम करते हैं, बल्कि उनके हिस्से में जो जमीनें आती हैं वो ज्यादातर डिफेक्ट लैंड आती है, डिफेक्टिव लैंड आती है और ना ही उस पर इतनी ग्रोथ होती है, ना ही इतनी अच्छी यील्ड आती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी। वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी
सेम अथोर का मसला है, वाटर टेबल जो है 1.5 मीटर अबव आ जाता है, जिसकी वजह से जमीन की सतह पर सॉल्ट आ जाते हैं, पानी जमा हो जाता है और प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है। कितनी ग्रोथ कम हो जाती है? 0.1 मिलियन एकर लैंड इज अफेक्टेड, 0.1 मिलियन एकड़ यानी 1 लाख के करीब जो एकड़ की जमीन है वो अफेक्ट होती है इस सबसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पुअर इरिगेशन सिस्टम, जो आबपाशी का निजाम है वो ही बहुत ज्यादा खराब है हमारे कंट्री में, ना ही कोई प्रॉपर कैनाल्स हैं, डैम्स और बैराजेस इस तरीके से नहीं बने हुए, खुश्क साली भी आ जाती है। उसके अलावा जो बारिशें होती हैं, बारिशें होने की वजह से हमारे जो फसलें हैं उन पर पानी जमा हो जाता है और नहरों में से पानी भी चोरी कर लिया जाता है, या कोई डिवीजन, प्रॉपर डिवीजन नहीं है पानी को सप्लाई करने की, पानी को फसलों को इरिगेट करने की, जिसकी वजह से भी एक एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है ये, जो कि किसानों को फेस करनी पड़ती है। जो केमिकल्स किसान जो यूज करते हैं वो बहुत कम क्वालिटी के होते हैं, पुअर क्वालिटी पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो कीड़े मार अद्वियात होती हैं वो बहुत खराब क्वालिटी होती हैं, और इन खादों की जो अच्छी किस्म की खादें हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो स्मॉल फार्मर को तो बहुत कम होती है, क्योंकि वो वैसे गरीब होते हैं और ये सारी पेस्टिसाइड्स जो हैं, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स वगैरह, ये सारे काफी कॉस्टली होती हैं, तो स्मॉल फार्मर अगर ये सब कुछ डालेगा तो उसका तो बजट ही आउट हो जाएगा। फंड्स की अनअवेलेबिलिटी, फंड्स नहीं होते हैं। असल में हमारे मुल्क में गवर्नमेंट जो है वो पुअर है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करे। वैसे एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट होता है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर को काफी हद तक निग्लेक्ट करती है। फार्मर्स फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग नहीं है और लोन सिस्टम भी गवर्नमेंट और जो है फार्मर के दरमियान को इतना अच्छा नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से किसान को फंड्स नहीं मिल पाते और वो अपने एग्रीकल्चर में अपनी एकड़ यील्ड को बढ़ाने में काम नहीं कर पाता। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, ये बेसिकली इस फार्मर की गलती है। क्रॉप रोटेशन क्या होती है? क्रॉप रोटेशन ये होती है कि अगर आपने एक जगह पे अपनी फार्मर ने एक अपनी जमीन पर चावल ग्रो किया है तो वो नेक्स्ट स्टेप में उधर कोई और सब्जी वगैरह लगा ले तो ये क्रॉप रोटेशन कहलाती है। क्रॉप रोटेशन बहुत जरूरी होती है जमीन के अंदर, जमीन की फर्टिलिटी के लिए। अगर सेम क्रॉप ही लगा के हम लगाते रहेंगे, लाइक हमने अभी चावल लगाए थे, फिर दूसरी फसल का जो हमने वेट किया तो भी हमने चावल लगाया, इससे क्या होगा कि एक तो यील्ड में फर्क आएगा, जमीन की इनफर्टिलिटी में फर्क आएगा और हमें यील्ड भी अच्छी नहीं मिलेगी। हमारे मुल्क में क्या होता है? हमारे मुल्क में यही होता है कि क्रॉप रोटेशन होती नहीं है और लैंड की फर्टिलिटी बरकरार नहीं रहती और न्यूट्रिशंस जो होते हैं, जो इनरिच न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि किसी भी क्रॉप के लिए अच्छे जरूरी चाहिए होते हैं, वो निकल जाते हैं। बार बार कंटिन्यूस जो कल्टीवेशन है उससे हमारी जो सॉइल होती है वो डैमेज हो रही होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। अनअवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स, जो सीड्स हैं, जो रिसर्च सेंटर्स में जो साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं, जो कि सीड्स पे काम कर रहे होते हैं, वो इधर पाकिस्तान के अंदर रिसर्च सेंटर्स ना होने की वजह से अब हमारे पास वो सीड्स नहीं है। इस वक्त हमारे पास सीड इंडस्ट्रीज नहीं है, सीड प्रोडक्शन की कमी है और जो सीड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। और एक्चुअली क्या कि इस प्रोजेक्ट पर, इस इंडस्ट्री पर ज्यादा पैसा खर्च होता है और हमारे पास फंड्स भी अवेलेबल नहीं होते बिकॉज ऑफ के हम एक पुअर कंट्री हैं, तो इसलिए हमारे पास सीड्स अच्छे नहीं होते। जब सीड्स अच्छे नहीं होते तो ऑटोमेटिकली है कि हमारी जो पर यील्ड है वो, एकड़ पर यील्ड है वो हमारी अच्छी नहीं मिलती।
नो ब्रीडर्स अटेस्टेशन, कोई जो रिसर्च सेंटर्स में जो लोग काम कर रहे हैं और हाइब्रिड वैरायटीज पैदा कर रहे हैं सीड्स की, उन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई प्रॉपर डिपार्टमेंट नहीं है जो इनकी फंक्शनिंग को टेस्ट करे, क्योंकि फंडिंग की भी कमी है और गवर्नमेंट की अटेंशन भी इस पूरे डिपार्टमेंट से हटाई हुई है या हटी हुई है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ज्यादातर पाकिस्तान के हालात जो है पॉलिटिकली अनस्टेबल रहते हैं। फार्मर्स जो होते हैं वो फौरी तौर पे अपनी जो क्रॉप्स होती हैं उनको रॉ मटेरियल्स के तौर पर ही जो है वो सेल कर देते हैं, और पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से कोई भी जो यहाँ पे लोग हैं वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। अदर प्रॉब्लम, और भी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बहुत सारी जो डिजीजेज आ जाती हैं प्लांट्स में, आसमानी आफात जो आ जाती हैं, हमारे पास जो हाइब्रिड सीड्स की कमी है और जो जमीन का काफी हिस्सा जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहा एग्रीकल्चर के लिए, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर में डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर रही हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो और मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया और ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा तो काइंडली इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।